सभी को जय हिंद। मिशन एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूं। अगर आप भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपका भी भारतीय सेना में जाना एक सपना है, तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अभी इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने वैकेंसी है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको NCC एंड इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो और जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलो आज की वीडियो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें दिखाया गया है NCC स्पेशल एंट्री स्कीम 53 कोर्स अप्रैल 2023। अभी इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे हम बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो मैन एंड वुमेन इसे दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस रखी गई है, यानी कि अनमेरिड मेल और अनमेरिड फीमेल ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो इसमें दिखाया गया है कि आपका इंडियन होना बहुत ही ज़रूरी है, आपका इंडियन होना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आप नेपाल से हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम एज की, यानी कि NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें एज दिखाया गया 19 से 25 ईयर, यानी कि 19 से 25 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। फिर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, फॉर NCC सी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि जिनके पास में NCC सी सर्टिफिकेट है वही इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये एक खास बात है, जिनके पास में NCC का सी सर्टिफिकेट है तो वही इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कंडीशंस रखी गई है, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे, वरना आप इसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपके पास में NCC का सी सर्टिफिकेट है, तो आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में 50% मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसे अप्लाई कर पाओगे, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है ग्रेडिंग के बारे में, यानी कि अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है और आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है 50% मार्क्स से, लेकिन फिर भी आपके सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड और ए ग्रेड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्या समझे दोस्तों, मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ, आपके सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड और बी ग्रेड होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकोगे। अगर आपके सी सर्टिफिकेट में सी ग्रेड है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या दिया हुआ है वो आपको मैं मोस्ट बता देता हूँ, और आप नोटिफिकेशन में देख लेना। फिर है वैकेंसी, यानी कि वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, आपके सामने है मेंस के लिए इसमें 50 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें से 45 जनरल कैटेगरी और 5 अदर के लिए है। और बात करें वुमेन के, यानी कि वुमेन की, तो वुमेन्स के लिए इसमें वैकेंसी रखी गई है 5, और जिसमें से 4 है जनरल कैटेगरी और 1 है अदर के लिए। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या दिया हुआ है तो वो भी हम आपको बता देंगे। फिर है रैंक, तो दोस्तों इसमें रैंक का भी दिया हुआ है आपके सामने, आप देख सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, सभी इसमें प्रमोशन रैंक के बारे में भी दिया हुआ है। और हम बात करें सैलरी की, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट के लिए यहाँ पर सैलरी दिखाई गई है, कैप्टन, मेजर, इन सब के लिए अलग अलग सैलरी है, तो ये भी आपके सामने है, आप नोटिफिकेशन ध्यान से देख लेना बाद में, अभी मैं आपको मोस्ट बता रहा हूँ। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या दिया हुआ है वो भी हम आपको बता देंगे। अब बात करें
फोरम की, यानी कि फोरम कब से स्टार्ट होंगे, तो वो भी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर फोरम के लिए दिखाया गया, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन ऑन 17 अगस्त 2022, यानी कि 17 अगस्त को ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास में भी एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कीजिए। और लास्ट डेट की बात करें तो 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों, अगर आप भी सेना में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आप इसे अप्लाई ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।